Okay, good morning everybody. We are going to start with the topic on structure of anatropous ovule. So, when we begin with this structure of anatropous ovule, we are going to first study about what is ovule. अभी ओव्यूल किसको बोलते हैं सबसे पहले वो हम लोग देखेंगे. ओके, सो ओव्यूल पढ़ने के लिए ना बच्चा लोग, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस स्टिग्मा. वी हैव दिस एज द स्टाइल एंड वी हैव दिस एज द ओवरी. अभी ये जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है ना, इसको बोला जाता है कार्पेल. ये हमने पढ़ा. कार्पेल का ही एक और नाम भी हमने पढ़ा था, विच इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल. अभी इसके बाद में इसके अंदर जो ओव्यूल होता है ना, दिस ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम. क्या बोला जाता है इसको? मेगास्पोरेंजियम. सो व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर ओव्यूल, वी आर गोइंग टू से दैट ये जो ओव्यूल है ना, इसके पास जो आउटर लेयर्स होते हैं ना बच्चा लोग, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स. क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्यूमेंट्स. सो इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं इसको. सो इट इज एन इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम एंड वी नो बच्चा लोग दैट दिस ओव्यूल इज गोइंग टू फॉर्म दी सीड. ये ओव्यूल बाद में क्या बनेगा? सीड. ओव्यूल सीड बनता है. बाहर का ओवरी क्या बनता है? फ्रूट. बाहर का ओवरी बनता है फ्रूट. अंदर का ओव्यूल क्या बनता है? सीड. सो अभी डेफिनेशन ये सब देख के हम लोग बनाएंगे ओव्यूल का. सो व्हेन वी डिफाइन अ पर्टिकुलर ओव्यूल, वी आर गोइंग टू से व्हाट इज एन ओव्यूल. ओव्यूल इज एन इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. इंटीग्यूमेंटेड है मेगास्पोरेंजियम. इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ऑफ सीड बेरिंग प्लांट्स. ऑफ सीड बेरिंग प्लांट्स. इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम किसका है? ऑफ सीड बेरिंग प्लांट्स. बिकॉज वी नो दैट ओव्यूल बाद में क्या बनता है बच्चा लोग? सीड. ओव्यूल सीड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं. बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स. सो इट इज एन इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ऑफ सीड बेरिंग प्लांट्स. इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ऑफ सीड बेरिंग प्लांट्स. नाउ व्हाई इज दिस ओव्यूल कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी नो दैट आर ओव्यूल हैज अ बेंट एक्सिस एंड इट हैज अ डाउनवर्डली डायरेक्टेड ओपनिंग है. ये देखो बेंट एक्सिस तो बनाया, ये नीचे डाउनवर्डली डायरेक्टेड ओपनिंग आने वाला है. दिस डाउनवर्डली डायरेक्टेड ओपनिंग इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल. क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल. वी हैव द डाउनवर्डली डायरेक्टेड ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल. सो हियर वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल. फाइन, this is called as anatropous ovule because this ovule has a bent axis. anatropous ovule kyun bolte hain? because this ovule has a bent axis. ovule has bent axis and downwardly directed opening hai. opening kidhar hai? niche. downwardly directed opening. That downwardly directed opening is called micropyle. Downwardly directed opening called micropyle. That is why it is called as what? Anatropous ovule. मतलब हमारे पास ovule है ना, वो सीधा नहीं है, ऐसा टेढ़ा है. An ovule which has a bent axis and a downwardly directed opening. ये जो अपने पास opening है ना, this opening is called as micropyle. क्या बोलते हैं ये opening को? Micropyle. Fine. When we study the structure, जब भी हम लोग structure देखेंगे ovule का, so in that we are going to see it's divided into two parts. First is called as the stalk and the second part is called as the body. Stalk and then we have the body. Now the stalk of the ovule is called funicle or funiculus. फ्यूनिकल और फ्यूनिक्यूलस. नाउ ये जो स्टॉक है ना, इसको फ्यूनिकल और फ्यूनिक्यूलस बोलेंगे ना, इसके अंदर ये बनाया मैंने बच्चा लोग, इसको हम लोग वैस्कुलर स्ट्रैंड बोलेंगे.
वैस्क्यूलर स्ट्रैंड विच इज गोइंग टू सप्लाई द न्यूट्रिशन. किसको सप्लाई करेगा न्यूट्रिशन? टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. इट इज गोइंग टू सप्लाई न्यूट्रिशन टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. सो स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इट इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल. इट इज द फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस. It is called as funicle or funiculus. As funicle or funiculus. Funicle or funiculus. Or funiculus. Now it has a vascular strand. क्या है उसके पास? Vascular strand. Which is going to supply nutrition. Vascular मतलब food. It is going to supply nutrition. क्या supply करने वाला है? Nutrition to the body of the ovule. Nutrition to body of the ovule. Body of ovule. जो vascular strand है ना, क्या supply करने वाला है? Nutrition किसको? To the body of the ovule. Now आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, जो पॉइंट ऑफ फ्यूजन रहता है ना किसका, स्टॉक और बॉडी का, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलम. क्या बोलते हो पॉइंट को? हाइलम. द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्टॉक विद द बॉडी. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, किसका अटैचमेंट? ऑफ द स्टॉक. दिस इज कॉल्ड एज द स्टॉक. और ये कौन सा है? बड़ा सा बॉडी. तो जहाँ पे स्टॉक बॉडी को अटैच होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्टॉक विद द बॉडी. Of attachment of stalk with the body is called hilum. Is called hilum. अभी ना next thing जो मैंने last time नहीं बताया शायद, थोड़ा सा part जो है ना stalk का जो extend होता है body में, that part is called as raphe. So we have this part of the stalk which is extending in the body. The part of the stalk extending in the body. जो stalk का part है ना, जो body में extend हो रहा है. अगर आप लोग ने काबुली चना देखा होगा तो काबुली चना का थोड़ा बहुत diagram ऐसा दिखाई देगा आपको. ये जो line दिख रही है ना, ये raphe है. What is that called as? Raphe. The part of the stalk which extends. जो extend होता है कहाँ पे? In the body. Which extends in body. Is called raphe. क्या बोलते हैं वो पार्ट को? Raphe. तो यहाँ पे हमने कितने न्यू वर्ड्स पढ़े? हमने पढ़ा है स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस. जहाँ पे स्टॉक और बॉडी जॉइन होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज हाइलम. क्या बोलेंगे वो पार्ट को? एंड थोड़ा सा स्टॉक जो बॉडी में एड हो जाता है, बॉडी में एक्सटेंड होता है, वो पार्ट को क्या बोलेंगे हम? रैफे. जो थोड़ा सा स्टॉक बॉडी में एक्सटेंड होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रैफे. नाउ बिकॉज दिस ओव्यूल इज टेढ़ा, ये ओव्यूल अगर सीधा होता, सीधा Now we can see हमारे पास ये ओव्यूल ऐसा बेंट है, बेंट. If this ovule would be straight, then this part would have been called the basal end. क्या बोलते हैं इसको? Basal end. So basal end of the ovule is called as chalaza. Now this is the end from which the integuments develop. So when we speak about the chalaza, what we are going to say? What is chalaza? It is the basal end of the ovule. क्या है? Basal end of the ovule. Basal end of the ovule. It is the region from where integuments develop. It is the region from where integuments develop. जहाँ से integuments develop होते हैं, ठीक है? Integuments develop. This end is called chalazal end. This end is called chalazal end. इसको ये जो end है ना जहां से integuments develop होते हैं, ये end को क्या बोला जाता है? Chalazal end. Fine. Now, when we see over here. Now, when we see about the integuments. When we see about the integuments, what we can see is integuments are nothing but they are the protective coverings of the ovule
they are the outer protective coverings किसके of the ovule. तो यहाँ पे हमको दिखता है दो इंटीग्यूमेंट है, एक आउटर वाला एक इनर वाला. सो वी कैन से द ओव्यूल इज बाइटेग्मिक. क्या है हमारे पास ओव्यूल? बाइटेग्मिक. सो इंटीग्यूमेंट्स आर नथिंग बट दे आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो ओव्यूल के बाहर होते हैं. सो इंटीग्यूमेंट्स आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द ओव्यूल. इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं? दे आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द ओव्यूल. प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द ओव्यूल. Coverings of ovule, they surround the entire ovule. क्या करते हैं? Surround करते हैं entire ovule. पूरे ovule में present है except for a small region at the tip. Except for small region. Small region at the tip. At a tip which is called micropyle. क्या बोलते हो small region at the tip को? Micropyle. There are two integuments. कितने हैं? दो integument है. ये word आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दो integuments है. क्योंकि बाद में ना ये जो integument रहता है ना, बाद में जो ये integument है, ये बाद में seed coat बनते हैं. The outer integument is going to form the outer seed coat which is called testa. And जो inner integument है ना वो क्या बनाएगा? Inner seed coat which is stamen. ये outer integument है और इसके अंदर क्या रहेगा? इनर इंटीग्यूमेंट. आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, दिस इज द इनर इंटीग्यूमेंट. सो देर आर टू इंटीग्यूमेंट्स, आउटर एंड इनर. आउटर एंड इनर, हेंस ओव्यूल इज सेड टू बी बायटेग्मिक. हेंस ओव्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? इज सेड टू बी बायटेग्मिक. अभी बायटेग्मिक क्यों बोला है? दो इंटीग्यूमेंट्स है जो बाद में आउटर सीड कोट बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज टेस्टा. एंड जो इनर इंटीग्यूमेंट है वो इनर सीड कोट बनाता है विच इज कॉल्ड एज टेगमिन. टेगमिन. सो आउटर इंटीग्यूमेंट इज गोइंग टू फॉर्म सीड कोट, जो बाहर का सीड कोट है थिक एंड रेजिस्टेंट जाड़ा वाला विच इज टेस्टा. एंड इनर इंटीग्यूमेंट इज गोइंग टू फॉर्म द इनर सीड कोट विच इज गोइंग टू फॉर्म द टेगमिन. क्या बनेगा? टेगमिन. Tegmen. Now, when we see this particular portion, this is the part which is called as nucellus. This forms the main central bulk of the ovule. This is called as the nucellus. अभी इसके अंदर मेगास्पोर बनता है ना, इसके अंदर बनेगा मेगास्पोर. तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर ऑफ द ओव्यूल. बिकॉज ये मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर के अंदर क्या बनने वाला है? मेगास्पोर बनेगा विच इज नथिंग बट द एम्ब्रियो सैक. मेगास्पोर बनेगा विच इज नथिंग बट द एम्ब्रियो सैक. सो वेन वी स्पीक अबाउट दिस, वॉट वी कैन से इज दिस इज कॉल्ड एज द न्यूसेलस. क्या बोला जाएगा इसको? न्यूसेलस. Nucellus, it forms the main central bulk of the ovule. Forms main central bulk. Main central bulk of the ovule. Main central bulk of the ovule. ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है द मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर. रिप्रेजेंट द मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर ऑफ द ओव्यूल. मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर क्या बनने वाला है? इसके अंदर क्या बनेगा? मेगास्पोर. प्रॉपर ऑफ द ओव्यूल. इट इज मेड अप ऑफ कौन से सेल से बना है? डिप्लॉइड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. मेड अप ऑफ डिप्लॉइड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. Mass of parenchyma cells. So, एक बार इसको रिवाइज करते हैं. देखो जब भी हम इसका फिगर में डायग्राम में देखेंगे तो बड़ा सा सेंट्रल रीजन क्या होता है? न्यू सेलस. बड़ा सा सेंट्रल रीजन क्या है? न्यू सेलस. तो मेन सेंट्रल बल्क है ओव्यूल का. इसके अंदर मेगास्पोर बनने वाला है. तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर ऑफ द ओव्यूल. एंड ये सब सेल्स कैसे? डिप्लॉयड है. कैसे सेल्स? डिप्लॉयड. डिप्लॉयड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. कौन से सेल्स है? पैरेन्काइमा सेल्स. सो वी हैव डिप्लॉयड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. अभी इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग. अभी यहाँ पे इफ वी हैपन टू सी दिस, इसके अंदर ये बड़ा सा पार्ट बनाया मैंने, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक. क्या बोलते हैं इसको?
Now this embryo sac, bacha log, it is going to have how many cells? It is having 7 cell and 8 nucleate structure. 7 cell, 8 nucleate structure. जो थ्री सेल्स है यहाँ पे कहाँ पे टुवर्ड्स द चलाजल एंड दोज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स. क्या बोलते हैं उसको? एंटीपोडल्स. सो थ्री सेल्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर टुवर्ड्स चलाजल एंड इज कॉल्ड एज एंटीपोडल्स. क्या बोलते हैं उसको? The three-celled structure towards micropylar end, is called as egg apparatus. क्या बोलते हैं उसको? Egg apparatus. Now this egg apparatus is going to be made up of central. Central क्या आने वाला है इसमें? Egg cell. ये center में क्या आने वाला है? Egg cell. And बाजू में ये दो आने वाले हैं. These are called as synergids. So this egg apparatus is made up of central egg cell. Kya hai central egg cell? And we have got two lateral synergids. Do baju mein kya hai? Lateral synergids. Central egg cell and two lateral synergids. Central egg cell and two lateral synergids. Exactly in the center we have two polar nuclei fusing together to form the secondary nucleus. क्या बन रहा है ये? सेकेंडरी न्यूक्लियस. इसमें ये सिनर्जिड्स था एंड ये सेंटर में क्या होता है बच्चा लोग? एग सेल. क्या रहता है? एग सेल रहता है और दो सिनर्जिड्स रहते हैं. दो सिनर्जिड्स. सो इन द सेंटर वी हैव टू पोलर न्यूक्लियर. ये टू पोलर न्यूक्लियर है ना, दे फ्यूज. क्या हो जाते हैं? टू पोलर न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस. फ्यूज होके क्या बनते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस. अभी एक चीज हमारा रह गया है, हमने माइक्रोपाइल के बारे में नहीं लिखा है कुछ भी. माइक्रोपाइल कौन से रीजन में है? टर्मिनल एंड के. आप कहाँ पे है? टर्मिनल एंड. द ओपनिंग प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड. सी इफ यू सी दिस, यू कैन सी दिस माइक्रोपाइल इज नथिंग बट द ओपनिंग विच इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द ओव्यूल. वाई इट इज सेट टू बी टर्मिनल एंड? बिकॉज इफ वी सी ओव्यूल ऐसा है नहीं, ऐसा रखेंगे इसको सीधा, तो ये बेसल, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनल. किधर आ गया टर्मिनल? नीचे. तो द टर्मिनल एंड ऑफ द ओव्यूल, इट इज द ओपनिंग प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द ओव्यूल. प्रेजेंट एट टर्मिनल एंड ऑफ द ओव्यूल. टर्मिनल एंड ऑफ द ओव्यूल. सो इट इज एन ओपनिंग विच इज प्रेजेंट कहाँ पे? एट द टर्मिनल एंड ऑफ द ओव्यूल. अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें देखो एक ओपनिंग है जो टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है. इसमें अपने को तीन चीजें याद रखनी है, तीन चीजें. पहला, नंबर वन, ये माइक्रोपाइल से ही कौन जाएगा अंदर? पोलन ट्यूब. क्या जाएगा? पोलन ट्यूब. तो इट प्रोवाइड्स एंट्री फॉर पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. यस लास्ट बेंच नाम क्या आपका? निखिल. क्या बोला पॉइंट मैंने? प्लीज स्टैंड. कीप स्टैंडिंग. सेकेंड लास्ट बेंच क्या बोला मैंने? क्या होता है? किसको एंड, किसको घुसने के लिए जगह दे रहे हो? स्टैंड स्टैंड स्पर्श रहने. कभी? ड्यूरिंग स्टैंड स्टैंड. आदर्श आदर्श स्टैंड. मिथिल स्टैंड. अनुराग वेरी गुड. कभी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. आप बैठो. सो इट इज गोइंग टू डू थ्री फंक्शंस. पहला क्या करने वाला है? एंट्री देने वाला है. किसको? पोलन ट्यूब. क्यों?
It is going to provide entry kisko to the pollen. Kabhi during fertilization. During fertilization, provide entry to the pollen tube during fertilization. Second, यहाँ से अंदर पानी जाएगा during seed germination. आपने ऑब्जर्व किया होगा रात में आपने लोग सीड रखते हैं पानी में, सुबह में वो सीड्स मोटे हो जाते हैं पानी एब्जॉर्ब करके, क्योंकि माइक्रोपाइल से क्या होता है वाटर अंदर जाता है, व्हाट गोज इन इज वाटर, सो इट प्रोवाइड्स एंट्री टू वाटर कभी ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे एंट्री ऑफ वाटर. एंड थर्ड, इफ वी सी दिस एज अ पर्टिकुलर सीड, ये ऊपर आता है हम लोग को पता है क्या बोलते हैं इसको प्लिम्यूल, और ये नीचे आ रहा है इसको क्या बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं रेडिकल, तो इट प्रोवाइड्स एंट्री ऑफ रेडिकल, मतलब फॉर रेडिकल टू कम आउट. तो माइक्रोपाइल से तीन चीजें होती है, अंदर क्या जा रहा है पोलन ट्यूब कभी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वाटर एंटर करता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, एंड रेडिकल कम्स आउट, एंड रेडिकल कम्स आउट. यस मिथिल, तीनों बताओ. रेडिकल कम्स आउट, पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब, आदर्श तीनों में बताओ. ड्यूरिंग ड्यूरिंग वेरी गुड. सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या होता है तीन चीजें. फर्स्ट हम लोग बोलेंगे इट प्रोवाइड्स एंट्री फॉर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एंट्री ऑफ वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, एंट्री ऑफ वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. And radical comes out through the micropyle. Radical comes out through micropyle. Through micropyle. So, bacha log, when we have to explain this anatropous ovule, we have to make sure that we are covering all the parts. Like we start from this part, which is the stalk, which is called as funicle or funiculus. Uske andar vascular strand hai, jo kya supply karta hai nutrition to the body of the ovule. Then jo join ho raha hai stalk aur body, wo point ko kya bolte hai hum log hilum. Thoda sa part stalk ka extend hota hai body mein, that part is called. Thoda sa stalk jo extend ho raha hai body mein, that part is called as. That part is called? The basal part of the ovule. जो अभी answer नहीं करेंगे ना, those people will write this particular answer 5 times by tomorrow. जो basal part है ना ovule का, that is called chalaza. And यहाँ से क्या develop होते हैं? Integuments. This end is called chalazal end. Chalazal end. Chalazal end. Now what are integuments? Integuments are protective coverings. Kiska of the ovule. Pura ovule ko surround karte except for a small region at the tip, which is called micropyle. Two integuments hai, outer and inner. So ovule ko hum log kya bolte? Bitegmic. Kya bolte ovule ko? क्यों बायटेक्निक बोलते हैं? दो इंटीग्यूमेंट्स है आउटर और इनर. अभी जो मेन सेंट्रल बल्क है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूसेलस. क्या बोलते हैं उसको? न्यूसेलस बोलते हैं. ठीक है, वो किससे बना हुआ है? डिप्लॉइड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, एंड इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मेगास्पोरांजियम प्रॉपर ऑफ द ओव्यूल. And when we say this micropyle, it's a small opening. जो कौन से end पे present है? Terminal end. Terminal end पे present है. वहाँ से पहले pollen tube अंदर जाता है during fertilization. Water enters during seed germination and radical comes out through micropyle. And embryo sac की बात करेंगे तो कितने cell है? 7 cell. कितना nucleus है? 8 nucleus. 3 cells towards the chalazal end को क्या बोलते हैं? Antipodals. 3 cells towards the micropylar end is egg apparatus, जिसमें center में रहता है egg cell और दो बाजू में क्या रहता है? Exactly in the center we have two.
nucleus. Two polar nucleus fusing together to form the secondary nucleus. So how many cell we have? 3, 3, 6 and 1, 7. But nucleus हमारे पास कितने हैं? 8. तो 7 cell, 8 nuclear structure is called as the embryo sac. Embryo sac के लिए दूसरा नाम क्या है? Megaspore. जैसे ovule के लिए क्या था? Megasporangium. Embryo sac के लिए क्या है? Megaspore. Fine. So this covers the entire answer for 4 marks. But in exam, what can be asked regarding this? They can ask you to draw this diagram for 2 marks. This particular figure, draw the structure of anatropous ovule for 2 marks. But for confusing you or for making you lose marks, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग ना डायग्राम एनाट्रोपस ओव्यूल का पूछते हैं, या तो एक बहुत साल से ट्रेंड बना लिया था बोर्ड एग्जाम वालों ने, क्या किया उन्होंने, उन लोग एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं बोलते, उन लोग बोलते ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक. सम इंटेलिजेंट पीपल ड्रॉ द एंटायर एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर है ना एम्ब्रियो सैक, तो उन लोग पूरा एनाट्रोपस ओव्यूल बनाते. क्या मिलेगा? बड़ा सा अंडा. ए मिलेगा, ए से अंडा, जीरो. एम्ब्रियो सैक बोला तो क्या बनाना है? यू हैव टू ड्रॉ ओनली दी सेंट्रल, इतना सा पोर्शन बनाना है, गोल बना देना. यू जस्ट हैव टू मेक दिस सर्कल एंड यहाँ पे 3 सेल्स बना के इनको एंटीपोडल्स लिखना है, सिनर्जिज लिखना है, एग सेल लिखना है एंड सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखना है. 2 मार्क मिल गए. आपको क्वेश्चन आँख खोल के ध्यान से पढ़ना है. आपको डायग्राम एनाट्रोपस ओव्यूल बोला है तो पूरा ओव्यूल बनाओ, खाली एम्ब्रियो सैक बोला है तो खाली अंदर का एम्ब्रियो सैक बनाओ. ठीक है, ये इतना से यहाँ तक खाली एम्ब्रियो सैक है, यहाँ से यहाँ तक बस. एंटीपोडल्स, एग अपैरेटस और सेंटर में क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, बस उतना बनाओ. आपने पूरा एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया प्रदीप बेटा तो क्या होगा? मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा आपको? एम्ब्रियो सैक. समझा आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट व्हाट कैन बी आस्क्ड ऑन दिस? ये तो क्लियर हो गया, डायग्राम पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट, दे कैन आस्क यू सिलेक्टिव टॉपिक्स इन स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. एक्सप्लेन द इंटीग्यूमेंट्स एंड चलाजा, या एक्सप्लेन द इंटीग्यूमेंट्स माइक्रोपाइल और द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, और एक्सप्लेन 2 मार्क के लिए अबाउट न्यू सेलस. सो डू नॉट एक्सपेक्ट के पूरा आंसर लिखने के लिए आएगा. येस, दे कैन आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस, छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके पूछ सकते हैं. उन लोग आपको ये भी 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड एक्सप्लेन करो एम्ब्रियो सैक. क्या करना है? एक्सप्लेन करना है एम्ब्रियो सैक, मतलब डायग्राम बनाना है. और क्या करना है? एक्सप्लेन, मतलब क्या लिखना है? सिर्फ लास्ट का इतना सा लिखना है 4 मार्क के लिए. 2 मार्क का क्या आएगा? डायग्राम. और 2 मार्क का उसका एम्ब्रियो सैक का एक्सप्लेनेशन. ये सोनो हार्ड है कि इजी है? श्योर? सो यू ऑल, कुछ डाउट है इसके रिलेटेड? एनी डाउट? सब पार्ट क्लियर हो गए? स्टॉक ऑफ यूनिकल, फ्यूनिकुलस है, वैस्कुलर स्ट्रैंड है, जहाँ पे स्टॉक और बॉडी ज्वाइन होते हो पार्ट को. स्टॉक और बॉडी ज्वाइन होता है, पॉइंट को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा स्टॉक जो बॉडी में एक्सटेंड होता है, व्हाट इज दैट पार्ट कॉल्ड एज?